भगवान भी चिंतन वस्त्रों तथा रत्नों से देवी फूल मालाओं एवं दीपों से सजाते, तब वे घी देवताओं की ओर देखते। कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ पूरे लखनऊ सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ की, कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम भक्त सुबह से यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और भगवान का जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए। आप दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे, ये भगवान की तस्वीरें हैं जिनको विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और लोग जो है वो सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल ये आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है और तमाम लोग दर्शन करने के साथ साथ अपनी मनोकामनाओं को भी लेकर यहाँ पर आते हैं। मंदिर को गुब्बारों से सजाया गया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आज जन्माष्टमी के अवसर पर ही इस तरह से यहाँ का श्रृंगार किया गया है, फूलों से, गुब्बारों से और तमाम चीज़ों से जो है वो सजाया गया है मंदिर को। इंतज़ार रात में जन्मोत्सव का है कि रात का वक्त होगा तो उस वक्त जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और भगवान कृष्ण की आरती की जाएगी। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये 12 बजे यहाँ पर महाअभिषेक होगा। वहाँ पर तमाम दूध से, दही से, शहद से, जिस तरह से बताया गया है कि भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा और ये महाअभिषेक सुबह अभी दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर चलेगा। और ये दूसरी तरफ एक मंच बनाया गया है मंदिर के अंदर, यहाँ पर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, ये भी 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें मंदिर के अंदर की हैं और इसके साथ ही साथ रात में 12 बजे आतिशबाजी का कार्यक्रम किया जाएगा, बच्चों के द्वारा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुबह से ही भक्तगढ़ चूँकि आ रहे हैं इसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं, तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि कम संख्या में लोग आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र वगैरह का, मास्क का प्रयोग करें। तो इस तरह की चीज़ें भी लोगों को बताई गई हैं और उसी के हिसाब से लोगों को एंट्री दी जा रही है। तमाम लोग अब आरती का और महाअभिषेक का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब महाअभिषेक होगा, आरती होगी और वो लोग भी उसमें कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे। आज का दिन समस्त जीवों के लिए, खाली मनुष्यों के लिए नहीं, खाली हिंदुओं के लिए नहीं, खाली पशुओं के लिए नहीं, पक्षी के लिए नहीं, समस्त जीवात्माओं के लिए जिनके अंदर जीवन है उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। क्योंकि आज परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य उत्सव है। परब्रह्म परमात्मा भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं देवकी तथा वसुदेव जी के यहाँ। तो आज के दिन ही भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए हम समस्त जीवों के लिए, चूँकि परमात्मा एक है, उसे चाहे भगवान कहा जाए, चाहे गॉड कहा जाए, चाहे अल्लाह कहा जाए, चाहे जिहोवा कहा जाए, वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। और वेद हमें बताते हैं, सनातन ज्ञान हमको बताता है कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो वो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, आज प्राकट्य उत्सव है। तो हम समस्त जीवों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है, समस्त जीवों के लिए, समस्त मानवों के लिए, कि आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है। तो हम सबको बड़े उत्साह के साथ भगवान का जन्म उत्सव मनाना है। तो सर, आज क्या कुछ जो है वो तैयारियां इस मंदिर में क्या कुछ होगा? आज तैयारियां जैसे आप देख रहे हो, पूरा मंदिर फूलों से सजाया हुआ है, भगवान का विशेष रूप से विशेष श्रृंगार है, आप गुब्बारों से देख रहे हैं सजावट है, भगवान के अभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक कुंटलों दूध से, कुंटलों दही से, कई घी से, शहद से भगवान का, और 1008 तीर्थों के जल से, गंगा जल से विशेष रूप से भगवान का अभिषेक होगा। तो ये अभिषेक 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। तो जैसे जैसे भक्त लोग आएंगे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वो भगवान का अपने हाथों से अभिषेक कर पाएंगे। रात में भगवान का 256 प्रकार का भोग लग रहा है और उसके बाद भगवान का 12 बजे विशेष आतिशबाजी का आयोजन किया है। भक्त बच्चों के द्वारा बहुत संक्षेप में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं और सारे भक्त मास्क लगा करके आ रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। और जो लोगों को बोला गया था, कल हम लोगों ने प्रेसवार्ता में किया था कि कृपया मास्क लगाएं और अपने को अपना ध्यान रखते हुए कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम जन्मोत्सव को मनाएँ।
कैमरामैन नूर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।